तो आज दोबारा से आ गया माइनक्राफ्ट में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं माइनक्राफ्ट का लोगो जस्ट लाइक दिस। एंड इसे बनाने में लिटरली भाई कुछ नहीं लगता, बस तीन चीजें लगेंगी, तीन से चौथी चीज नहीं लगने वाली। पहली हमारी ब्लैक वॉल, दूसरी है व्हाइट वॉल, तीसरी टॉर्च। एंड टॉर्च तो एक स्टैक से भी कम बनेगी, लेकिन इसे सबसे पहले आपको बनाने का ध्यान रखना है। इसे अगर आप ग्राउंड पे बनाओगे तो भाई आपके वर्ल्ड में वो दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप इसे स्काई मतलब हवा में बनाओगे तो भाई दूर से आपके वर्ल्ड में दिखेगा एंड आपका वर्ल्ड बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने भाई डिसाइड किया था कि मैं इसे ऊपर बनाऊंगा एंड जस्ट स्काई में। तो इसके लिए मैं आ गया ऊपर 20 ब्लॉक्स। तो आप चाहें तो आप भी 20 ब्लॉक्स आ जाना, जो कि भाई बहुत अच्छी हाइट रहती है। इससे ज़्यादा ऊपर जाओगे तो भाई दिखेगा नहीं, वो आपके चंक की लोडिंग की वजह से। इसीलिए तो आपको 20 वाले ब्लॉक पे आना एंड जस्ट मैं 20 ब्लॉक पे खड़ा हूँ। एंड 20 ब्लॉक पे खड़े होने का फिर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो, उसके बाद आपको यहाँ पे एंड उसके बाद आपको ये आपका एक ब्लॉक है ना, उसमें आपको 67 ब्लॉक्स और ऐड करने हैं, जिससे अगर आप उन्हें टोटल करो तो वो 68 ब्लॉक ही आएंगे, क्योंकि ये भाई 68 ब्लॉक में बनेगा, क्योंकि माइनक्राफ्ट का लोगो बहुत बड़ा है एंड उसमें अल्फाबेट भाई बहुत ज़्यादा है इसीलिए, ठीक है। एंड उसके बाद आपको इसमें 2 ब्लैक वॉल और ऐड करनी है पीछे या फिर किसी भी साइड आप कर सकते हो। एंड 2 ब्लैक वॉल ऐड करने के बाद उन्हें भी आपको इक्वल कर लेना है, जो आपने 68 के जो हमने बनाए ना लाइन उसी का आपको इक्वल कर लेना है, जो कि हो जाएगा 68/3 का आपको बना देना है एरिया, जो कि 20 ब्लॉक की हाइट पे। तो ऐसे भाई कंप्लीट कर लेते हैं। एंड भाई इसे कंप्लीट करने के बाद फिर आपको डिसाइड कर लेना है आपको इसका फेस किस साइड रखना है। तो मेरे को देखो, मेरे को विलेज की साइड फेस रखना है। अगर हम विलेज से खड़े होकर देखो तो इसका भाई माइनक्राफ्ट लिखा हुआ भाई बहुत अच्छा दिखना चाहिए, तो इसीलिए भाई मैं इस साइड इसका फेस करूंगा। आपको जिस साइड फेस करना है, ऐसे मेरे को विलेज के साइड फेस करना है, तो मैंने इस साइड इसके जो पिलर है ना वो बना रहा हूँ 11 ब्लॉक की हाइट के, ठीक है। तो आपको भी ऐसे बनाना है उसके मतलब जैसे मैंने बनाए थे, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। एंड इसे भाई 11 ब्लॉक की हाइट पे ले जाना है आपको, दोनों साइड से बना के इसे आपस में कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो भाई ये मैंने पूरा इसे कंप्लीट कर लिया, जो कि कुछ ऐसा लगा है जो कि 68/3 का। एंड ऊपर की जो वॉल है वो है भाई 11 ब्लॉक की एंड भाई पूरी भाई एकदम। एंड ये थोड़ी बड़ी लग रही है एंड भाई कितने बड़ा बनने वाला है लोगों, अब देखना भाई कितना मजा आने वाला है। तो देखो भाई, इसे बनाने के सबसे पहले आपको इसका बेस पिलर बनाना होगा। तो बेस पिलर आपको बनाने के लिए आपको 3 वुल लगानी होगी व्हाइट वाली एंड उसे 10 की हाइट पे ले जाना होगा 10 ब्लॉक के। तो वही होता है हमारा बेस पिलर। तो इसे मैं पूरी वीडियो में बेस पिलर ही कहूँगा, तो आप समझ जाना जब भी मैं बेस पिलर बनाने को कहूँ तो आप अपने में इजीली भाई बेस पिलर बना लेना। एंड आपको बगल में मैं मैप भी दे दूंगा, तो आप अगर मेरे जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उस मैप में देख के आप इजीली बना सकते हैं कि इसे कैसे बनाना है, ठीक है। तो भाई यही है। एंड मैप में जो आपके व्हाइट व्हाइट ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, वो भाई उन वो वाली जगह है जहाँ पे ब्लॉक नहीं लगे। एंड जो यहाँ पे कुछ ब्लॉक नहीं लगे वहाँ पे आपको ब्लॉक लगाने हैं, इसमें थोड़ा उल्टा है तो आप समझ गए होंगे मेरे को लगता है। एंड फिर आप उन्हें देख के बना लेना अगर आपको नहीं समझ में आता तो। एंड वैसे तो मैं आपको बता ही देता हूँ, देखो हमारे जो बेस पिलर है वो हमने बना लिया, क्योंकि हमारा पहला अल्फाबेट एम है तो उसका हमने बेस पिलर बना लिया, जो कि कुछ ऐसा लग रहा है। एंड आप मैं तो आपसे ये कहूँगा आप थोड़ा मैप को समझ लो एंड उससे आपको इजी रहेगा वही मतलब बनाने में। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 2 ब्लॉक छोड़ने के बाद आपको 1 ब्लॉक लगाना है जस्ट लाइक दिस, जैसे मैंने लगाया है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ब्लॉक छोड़ के कुछ एक और ब्लॉक लगाना है। एंड उसके बाद आपको उसके उन दोनों ब्लॉक्स के नीचे एक एक ब्लॉक लगाने हैं। एंड उसके बाद आपको इसमें 3 ब्लॉक ऐड हो जाएंगे, मतलब वो टोटल आपको 3 ब्लॉक कर देने हैं जैसे कि मैंने किया है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जो नीचे आना है उन 3 ब्लॉक्स के, एंड आपको यहाँ पर 2 ब्लॉक्स लगा देने हैं कुछ ऐसे, 2 ब्लॉक्स, एंड ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको ऊपर आके जो आपके 2 ब्लॉक्स की जो गैप था ना उसमें आपको 2 मतलब 4 ब्लॉक और लगा देना है, जिससे आपकी लुक कुछ ऐसी आएगी, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की मतलब बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद आपको एक और अपना बेस पिलर बना देना है, जो कि भाई 3 ब्लॉक्स का होता है एंड 10 ब्लॉक की हाइट का रहता है। तो आपको सेम उसे बना देना है एंड आपको फाइनली एम बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि कुछ ऐसा लग रहा है। उसके बाद आपको 1 ब्लॉक का गैस छोड़ना है, जस्ट 1 ब्लॉक का आपको हर मतलब अल्फाबेट में छोड़ना है। उसके बाद आपको अपना सिंपली भाई बेस पिलर बना लेना है, जो कि 3 ब्लॉक की हाइट का मतलब 3 ब्लॉक की चौड़ा होगा एंड 10 ब्लॉक की हाइट का होगा। एंड इतना करने के बाद अब हमारा आई होता है, वो तो भाई नॉर्मली ऐसे ही बनता है, इतना ही रहता है आई। उसके बाद हमें आई के बाद हमें बनाना है, हमें एन बनाना है। तो एन के लिए आपको बेस पिलर बना लेना, फिर से 1 ब्लॉक छोड़ के आपको एक और बेस पिलर बना लेना है, जो कि हमारे एन के लिए होगा। एंड आई तो हमारा नॉर्मली बन गया, उसके लिए बस आपको एक बेस पिलर लगाना है, जिससे आपका आई इजीली बन जाएगा। एन बनाने के लिए कुछ आपको ऐसे ब्लॉक लगाने हैं जैसे मैं लगा रहा हूँ, तो भाई ध्यान से देख लेना। आपको ऊपर 2 ब्लॉक छोड़ने हैं, उसके बाद 2 ब्लॉक लगाने हैं, फिर उसका कुछ ऐसे करके आपको 4 ब्लॉक लगाने हैं जैसे मैंने लगाए हैं। इतना करने के बाद आपका ये कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड इतना करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको एक यहाँ पे लगा देने हैं, ये कुछ ऐसे मैंने लगाए ना ये 4 ब्लॉक ऊपर तक। एंड इसमें आपको यहाँ पे आना है, फिर नीचे
फिर आपको यहाँ पे दो ब्लॉक लगा देना कुछ ऐसे, एंड दो ब्लॉक लगाने के बाद आपको यहाँ पे आपको इसे पूरा कनेक्ट कर देना है। जो हमने ये ऊपर वाली ये रो बनाई थी ना, ये बेस पिलर की थी, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला ब्लॉक था, ये बेस पिलर का। तो आप मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया हो तो थोड़ा भाई मैप को देख के भाई बना लेना, आप इजीली बना लोगे। एंड इतना करने के बाद हमारा जो एन है वो भाई बन चुका है, जो कि कुछ ऐसा लग रहा है। एन के बाद आता है हमारा ई। तो ई बनाना तो भाई बहुत सिंपल है। ई बनाने के लिए आपको सेम भाई अपना बेस पिलर बनाना है एक ब्लॉक छोड़ के। एंड भाई देख सकते हैं ये मैं बेस पिलर बना रहा हूँ। सिंपली आपको बेस पिलर को कंप्लीट करने के बाद जो आपके सबसे जो 10th नंबर का ब्लॉक है ना, सबसे ऊपर वाला, वहाँ पे आपको 3 ब्लॉक लगाने हैं। उसके नीचे आपको 3 ब्लॉक फिर लगाने हैं। फिर आपको 2 ब्लॉक की हाइट छोड़नी है। फिर आपको 3 ब्लॉक लगाने कुछ ऐसे। फिर आपको यहाँ पे 3 ब्लॉक लगाना है। फिर आपको 2 ब्लॉक की हाइट छोड़नी है। फिर 3 ब्लॉक लगाने हैं। आपकी ई कंप्लीट हो जाएगी, जो कि वही होता है हमारा सी। एंड सी बनाना भी बहुत सिंपल है, बस आपको एक ब्लॉक छोड़ के अपना जो बेस पिलर है उसे बनाना है, जो कि भाई बहुत ईजी है। मैंने आपको बताई दिया आप उसे कैसे बना सकते हैं। बेस पिलर बनाने के बाद आपको सेम भाई ई वाली प्रोसेस ही करनी है। बस जो आपके ऊपर वाले ब्लॉक है वहीं पे आपको टू ब्लॉक के कुछ ऐसे बना देना है, नीचे बना देना है। जो बीच में हमने बनाए थे ना वो नहीं बनाने हैं। बस हो गया आपका भाई सी। तो भाई बहुत सिंपल था। फिर आपको एक ब्लॉक छोड़ के फिर आपको एक बेस पिलर बनाना है, जो कि हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट्स के लिए होगा, जो कि हमारा आर है। तो आपको बस एक बेस पिलर बनाना है, उसके बाद आपको बीच में एक ब्लॉक छोड़ देना है, यस। फिर आपको अपना जो नेक्स्ट है वो अल्फाबेट है ना, उसे भी बना देना है। तो आर को बनाने में आपको यही करना पड़ेगा। तो आपको बस एक बेस पिलर बनाना है, फिर आपको एक ब्लॉक छोड़ के फिर आपको एक अपना बेस पिलर बना देना है। एंड आपको यहाँ पे बेस पिलर में देख सकते हैं ये कुछ, आपको पहले सबसे पहले 2 ब्लॉक लगाने हैं, उसके बाद 2 ब्लॉक गैस छोड़ना है, फिर आपको 2 ब्लॉक लगाने हैं। एंड फिर आपको यहाँ पे कुछ ऐसे वो लगाने हैं, एंड बीच वाला ये वाला ब्लॉक छोड़ देना है। एंड उसके बाद आपका जो बेस पिलर है उसे कंप्लीट कर देना है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बस बेस पिलर में मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड आप देख सकते हैं ये कुछ आपका ऐसा बन जाएगा, जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। एंड अभी मैं लास्ट में देख लेना आप भाई इजीली। एंड आपको यहाँ पे मैप दिया, आप देख सकते हैं बना सकते हैं। तो भाई हमें नेक्स्ट अल्फाबेट के लिए अपना सिंपली फिर से अपना बेस पिलर बनाना होगा, जो कि एक ब्लॉक छोड़ के आपको थ्री ब्लॉक चौड़ा एंड 10 ब्लॉक की हाइट पे बनाना होगा, जो कि हमारा बेस पिलर होगा। बनाना है जो नेक्स्ट अल्फाबेट है उसका नाम है ए। जैसे बनाना भाई मुश्किल है। एंड इसका जो हमारा पिलर है ना वो भाई 2 ब्लॉक का बनेगा, जो हमारा बेस पिलर है। एंड सेम दूसरा साइड भी 2 बनेगा। मैंने गलती से 3 का बना दिया, तो आप इसे 2 का ही बनाना। एंड सेम प्रोसेस रहेगी। एंड बीच में आपको 3 ब्लॉक छोड़ने हैं, एंड आपको कुछ ऐसे फिल कर देने हैं जैसे कि मैंने किए हैं। एंड उसके बाद आपको 3 ब्लॉक ऐसे करके फिर आपको यहाँ पे ब्लॉक लगाने हैं। एंड ऊपर वाले ब्लॉक को तोड़ देना है। एंड यहाँ पे आपको एक और ब्लॉक लगाना है इसके जस्ट नीचे। उसके बाद आपको यहाँ पे भी दो के यहाँ पे 3 ब्लॉक्स लगा देने हैं। एंड ये कुछ जस्ट लाइक ऐसा लगेगा। उसके बाद आपको 2 ब्लॉक यहाँ पे लगाए हैं। एंड आपका ये पूरा बन चुका है। सेम आपको ऐसे ही बनाना है, लेकिन आपके जो पिलर्स है ना उन्हें आपको 2 ब्लॉक का कर देना है। एंड बस भाई आपका ए बन चुका है, ऐसे ही फाइनल बनेगा। मैंने आपको बताया वैसे ही आपको ए बनाना है, बस आपको 2 ब्लॉक के उसका मतलब बेस पिलर 2 ब्लॉक के बनाने हैं। उसके बाद हम अपने बनाते हैं अपना नेक्स्ट अल्फाबेट। तो उसके लिए आपको सेम वही आपको एक ब्लॉक छोड़ना है, एंड फिर हमारा जो बेस पिलर है उसे आपको बना लेना है। तो बेस पिलर बनाने के बाद आपको वो जो एफ बनाना है, एफ बनाने के लिए भी सेम भाई ई वाली प्रोसेस करनी है। एंड जो नीचे हमने जो लगाए थे ना 2 ब्लॉक्स, आपको उन्हें नहीं लगाना है, बाकी आपका सेम भाई एफ बना देना है, जैसे कि आपने बनाया होगा ईजिली। एंड उसके बाद जो हमारी टी है, टी के लिए थोड़ा आपको अलग करना है। उसके लिए आपको 3 ब्लॉक्स छोड़ने होंगे, एंड उसके बाद आपको उसका बेस पिलर बनाना होगा। टी का थोड़ा अलग सीन है, क्योंकि भाई वो टी है। तो आपको 3 ब्लॉक छोड़ने के बाद आपको बना देना अपना बेस पिलर। एंड सेम जैसे मैं बना रहा हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ब्लॉक साइड लगा देना है, जैसे हमने एफ में लगाए थे। एंड दूसरी साइड भी आपको 2 लगा देना है, आपका बन चुका है भाई टी। तो अब जो हमारा माइनक्राफ्ट का लोगो वो भाई बन तो चुका है, लेकिन इसकी हमें लुक है ना जो और भी अच्छी करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ब्लैक वॉल लेनी है। एंड जो आपके सारे बेस पिलर्स हैं ना, मतलब जिन जिन ब्लॉक्स की हाइट 10 ब्लॉक है, उन सारे ब्लॉक्स के ऊपर आपको ब्लैक वॉल रख देनी है, जिससे भाई ये और भी अच्छा लगने लगेगा। The next day. इतना करने के बाद आपको टॉर्चेस लेनी है, एंड टॉर्चेस भी आपको लगाने हैं। टॉर्चेस कहाँ लगाने हैं मैं आपको बता दूँ। सबसे आपको ऊपर चले जाना है, जो आपका माइनक्राफ्ट का लोगो है, एंड उस पर आपको जस्ट जो आपका पीछे वाला जो मतलब ये वाला ब्लॉक है, ये वाला, हाँ यही वाला, ये पीछे वाला, इस पर आपको एक एक ब्लॉक छोड़ के आपको पूरे में टॉर्चेस लगा देनी है। इतना करने के बाद आपको नीचे आना है, एंड जो जो आपके बेस पिलर्स है ना उनका जो सेंटर वाला ब्लॉक है ना, वहाँ पे आपको एक एक टॉर्चेस लगा देनी है, जस्ट लाइक दे जैसे मैं लगा रहा हूँ। मैंने टी के सेंटर में लगा दी, एंड सारे जो आपके नीचे वाले हैं इनके आपको सेंटर में लगा देना है। मैं आपको बता दूँ, जो हमारे सी और ई होगा ना, उनमें भाई दो दो टॉर्चेस लगेंगे, क्योंकि उनका बेस पिलर बड़ा है। एंड भाई ये आप सोच रहे होगे मैंने टॉर्चेस क्या लगाए, इनका क्या यूज़ है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ मैं इसका यूज़। तो आप देख रहे होगे भाई मैंने नाइट कर दिया, एंड इस पर जो हल्की हल्की रोशनी आ रही है ना, एंड ये भाई टॉर्चेस की वजह से आ रही है, जिससे नाइट में भाई ये बहुत प्यारा लग रहा है। एंड आप बताना कमेंट करके आपको कैसा लग रहा है, एंड आप अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में इसे बनाओगे या फिर नहीं। तो बस भाई इस बार वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।